हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए मैथ से अभ्यास 10 ए चतुर्भुज की रचनाएं। तो बच्चों, अब हम इनके बारे में काम करते हुए सीखेंगे कि हमें किस तरीके से चतुर्भुज को निकालना होता है, बनाना होता है, उसके बारे में बताना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आपके लिए पार्ट 2 के रूप में है। अब बच्चों, अभ्यास 10 ए के हम कुछ इन प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ओके बच्चों, अब बच्चों इसमें दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित चतुर्भुजों के आधार पर क्रमानुसार उनकी भुजाओं, शीर्षों, कोणों और विकर्णों के नाम बताइए। तो इसमें तीन चित्र हमें दिए गए हैं। इसमें पहला इस टाइप का चित्र है, इस टाइप का हमें चतुर्भुज मिला हुआ है। तो इसकी हमें भुजाएं पता करनी है। तो भुजाएं कौन कौन सी हैं? डी ई, ई एफ, ई जी और जी डी। आप कैसे भी लिख सकते हैं, डी जी ये पहले लिख सकते हैं, फिर जी एफ, फिर एफ ई, फिर ई डी। मतलब आप जहां से भी शुरू करें तो उसको लेते हुए पूरा चलना है। चाहे आप यहां से शुरू कर लें, चाहे यहां से शुरू कर लें। शीर्ष जो उनके कॉर्नर होते हैं, जैसे डी है, जी है, ई एफ है और ई है, ठीक है। तो ये हमारे कॉर्नर हैं, मतलब कि शीर्ष हैं इस चतुर्भुज के। अब कोण, तो बच्चों कोण को नामांकन करने के लिए क्या होता है कि जिस जहां पर कोण बन रहा है उस पॉइंट को हम बीच में लेते हैं और रेखाओं को, रेखाओं के एंड को हम आगे पीछे लेते हैं। जैसे कि मुझे इस कोण के बारे में बात करनी है तो मैं लिखूंगी कोण डी जी एफ, ठीक है। अब मुझे इस कोण के बारे में बात करनी है तो मैं लिखूंगी कोण जी एफ ई, ठीक है। अब मैं इस कोण के बारे में बात करूंगी तो मैं लिखूंगी एफ ई, कोण एफ ई डी, ठीक है। अब जब मैं इस कोण के बारे में बात करूंगी तो मैं लिखूंगी कोण ई डी जी, ठीक है। विकर्ण, विकर्ण वो जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, यानी एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को अपोजिट साइड में, मतलब सम्मुख मिलाए, उसे हम विकर्ण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर विकर्ण है डी एफ। जी ई भी हो जाता लेकिन यहाँ हमें दिया नहीं गया है, हमें सिर्फ इस चतुर्भुज में एक ही विकर्ण दिया गया है, वो है डी एफ, ठीक है बच्चों, आया समझ में। अब इसमें भी देखो, हम कहीं से भी शुरू करें, है ना, चाहे ऐसे चाहे इस तरीके से, हमें क्रम नहीं अपना चेंज करना है। भुजाएं हैं इसकी एक्स डब्लू, डब्लू बी, यू बी और एक्स यू, ठीक है। शीर्ष कौन कौन से हो गए, यू वी डब्लू एक्स। कोण कौन कौन से हो गए, जब मुझे इस कोण के बारे में बात करनी है तो मैं लिखूंगी कोण एक्स यू वी, ठीक है। अब मुझे इस कोण के बारे में बात करनी है तो मैं लिखूंगी कोण यू वी डब्लू। अब मैं इसके बारे में बात करूंगी तो लिखूंगी कोण बी डब्लू एक्स, ठीक है। अब मैं इस कोण के बारे में बात करूंगी तो लिखूंगी डब्लू, कोण डब्लू एक्स यू, ठीक है, इसी तरीके से लिखा है। ओके, विकर्ण, इस चतुर्भुज में मुझे दो विकर्ण दिए गए हैं, तो पहला विकर्ण है यू डब्लू, दूसरा विकर्ण है वी एक्स। ओके बच्चों, अब मुझे तीसरा चतुर्भुज दिया गया है। यहां पर भी चाहे मैं ऐसे शुरू करूं या ऐसे शुरू करूं, हमें एक लाइन से चलना है। तो यहां पर भुजाएं कौन कौन सी हैं, क्यू आर, आर एस, एस टी, टी क्यू, ठीक है। शीर्ष कौन कौन से हैं, क्यू आर एस टी। ओके बच्चों, कोण कौन कौन से हैं, अब मुझे इस कोण के बारे में बात करनी है तो कोण टी क्यू आर। ओके, ऐसे ही है ना। अब मुझे इस कोण के बारे में बात करनी है तो कोण क्यू आर एस। अब मुझे इस कोण के बारे में बात करनी है तो कोण आर एस टी। अब मुझे इसके बारे में बात करनी है तो कोण एस टी क्यू, ठीक है, इसी तरीके से लिखा है। विकर्ण यहाँ पर एक दिया गया है, वो कौन सा विकर्ण है, टी आर। तो बच्चों इस तरीके से हम भुजाएं, शीर्ष, कोण और विकर्ण का पता लगा लेते हैं। आया समझ में, बहुत आसान है। अब बच्चों तीसरा प्रश्न है, किसी चतुर्भुज के तीन कोण क्रमशः 75, 95 और 110 है, चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको काम करने का तरीका ये होता है, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये हमने अभी सीखा। इसलिए चौथे कोण का मान क्या होगा, 360 में से इन तीनों कोण का योग हम घटा देंगे। तो तीनों कोणों को जोड़ने के बाद में हमें क्या पता चलता है कि ये 280 के बराबर है।
तब 360 डिग्री में से 280 डिग्री घटा देंगे, कितना आएगा 80 डिग्री। तो आंसर क्या बना, चौथे कोण का मान 80 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से बच्चों अब चौथा प्रश्न है, यदि किसी चतुर्भुज के दो कोण 60 डिग्री 120 डिग्री के हैं तथा शेष दोनों कोण समान हैं तो उसके मान ज्ञात कीजिए। तो इसका हल किस तरह से करेंगे, चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसलिए शेष दो कोण समान व उनका मान 360 डिग्री होगा। तो हम क्या करेंगे, 360 में से जो हमें दो ये कोण दिए गए हैं इनका योग करके घटा देंगे। तो 360 में से इनका योग कितना आया 180, वो घटाया तो कितना आ जाएगा 180 ही आ जाएगा। अब शेष दो कोण समान है अर्थात 180 में दो से भाग लगा दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, दो नीम 18 तो एकम दो नीम 18 ये जीरो आ जाएगा, कितना आ गया 90 डिग्री। आंसर क्या बना, शेष दो कोणों का मान 90 डिग्री होगा। पांचवा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित चतुर्भुजों की आकृतियां खींचिए। तो बच्चों समलंब चतुर्भुज हमने क्या सीखा था कि भुजाओं का एक युग्म समानांतर होता है, तो हमने खींच दिया। तो बच्चों उत्तल चतुर्भुज का हमने क्या सीखा था कि जिसके चारों कोण 180 डिग्री से कम के होंगे, ठीक है, तो हमने इस तरीके से बना दिया। अब बारी आती है अवतल चतुर्भुज की। तो अवतल चतुर्भुज में हमने क्या सीखा था कि इसका एक कोण जो होता है वो 180 डिग्री से बड़ा होता है, बाकी कोण छोटे होते हैं। तो हमारा अवतल चतुर्भुज खिंच गया, पतंग, पतंग हमारा लाइक दिस, उत्तल चतुर्भुज के बराबर जैसा ही दिखाई हमें वो देता है, तो ये मेरी काइट हो गई। अच्छा बच्चों अब यहाँ पर आपकी अभ्यास कंप्लीट होती है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगली बार ज्योमेट्री वर्क साथ में लेके बैठिएगा, हम लोग इस चतुर्भुज को ड्रॉ भी करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट।